चलें जी नेक्स्ट हम करते हैं, बल्कि नेक्स्ट तो नहीं, मैंने आपके लेक्चर के साथ ही ऐड करना था, मुझे भूल गया। तो आप ये मॉर्फोलॉजी देख लें कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर जो सेफिरोसाइट्स मिलते हैं, एक तो वो बहुत डेंस होते हैं, थोड़े से डार्क कलर के होते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो आर बी सीज होते हैं। जब हमने विटामिन बी ट्वेल्व डेफिशिएंसी वाले किए थे तो वो थोड़े से इससे बड़े थे, और बड़े होने के अलावा वो थोड़े से लाइट थे, ये थोड़े डार्क है क्योंकि ये कंडेंस हो जाता है इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है। दूसरी बात है, सेंट्रल पेलनेस किसी के अंदर भी नहीं मिल रही, ठीक है, सेंट्रल पेलनेस नहीं है। और आपको अगर ये मिक्स कर रहा है विटामिन बी ट्वेल्व के साथ, तो आपने याद रखना है कि वहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ताश भी लाजमी नज़र आता होता है। ये भी आपका जो है हेरिडिटरी सेफिरोसाइटोसिस है। देखिए आपको इसमें सेल्स मिल रहे हैं, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये सेल हो गया, इसमें देखें डार्क कलर के हैं, डार्क हैं और जो है सेंट्रल पेलनेस नहीं है, ठीक है। और आपको जो ये मिल रहा है न्यूट्रोफिल, इसके अंदर जो है वो मल्टीलोब नहीं है, मतलब ये जो है नॉर्मल न्यूट्रोफिल है। जबकि अगर हम बात करें विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर, तो उसमें जो हमें न्यूट्रोफिल मिलता है वो हाइपर सेगमेंटेड होता है, मल्टी लोब्ड होता है। आई होप कि आपको डिफ्रेंशिएट करना आ गया होगा। इसके अलावा आपने ये भी याद रखना है कि विटामिन बी ट्वेल्व के अंदर जो मैक्रोसाइट्स थे, उसके अंदर वो ओवल शेप के थे मोस्टली, मतलब इस शेप के थे, इस तरह के, ठीक है। तो ये आपने डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट याद रखना है इसको।